हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचअप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑफ चैप्टर 5 और यह फर्स्ट पार्ट है। व्हाट इज द टुडेज टॉपिक, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? रूट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ रूट्स, फाइब्रस रूट सिस्टम, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन, प्रॉप रूट्स और स्टील रूट्स। मीन्स वी विल स्टडी अबाउट इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ रूट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज रूट, रूट है क्या। इन द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉटिलेडोनस प्लांट, डाइकॉटिलेडोनस जिसमें टू कॉटिलेडोनस पाए जाते हैं, द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल्स, जो रेडिकल्स और प्लूमली जो क्लास 10th में पढ़े हैं, रेडिकल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। वही सॉइल के इनसाइड जो है जब सीड जर्मिनेट करता है तो जो रेडिकल्स होता है वो नीचे की तरफ सॉइल में ग्रो करता है और वही क्या बनाता है, रूट्स का फॉर्मेशन करता है इनसाइड द सॉइल। और उसके साथ लेटरल रूट्स जो है भी डेवलप करते हैं जो उसे सपोर्ट देते हैं। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर एंड दैट आर रिफर टू एज ए सेकेंडरी, टर्शियरी एक्सेट्रा। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज, मेन जो रूट्स आती है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट्स, और उसके जो ब्रांचेज होते हैं वही बनाते हैं क्या, टाइप रूट सिस्टम। जैसे कि हम मस्टर्ड में देख सकते हैं, यह मस्टर्ड का रूट है, यह मेन रूट्स है, यहाँ पर लेटरल रूट्स है, इस मेन रूट्स को हम क्या कहेंगे, टाइप रूट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया डाइकॉटिलेडोनस का। मोनोकॉटिलेडोनस में, मोनोकॉटिलेडोनस में जनरली जो है फाइब्रस रूट टाइप के पाए जाते हैं, इसमें एक मेन रूट जो है नहीं होती है। सॉइल से जैसे रेडिकल से हर एक रूट डेवलप करता है रेडिकल से, लेकिन जैसे ही नीचे जाता है उसी समय वह क्या हो जाता है, वह स्प्रेड हो जाता है। इन मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, इस तरह से फाइब्रस रूट्स बनाते हैं। तो पहले वाले में हम पढ़े हैं टाइप रूट सिस्टम और यह क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम, स्टीम के जस्ट बेस से ही यह ओरिजिनेट होता है और फाइबर के जैसे हो जाता है, इसलिए से कहते हैं कि हम फाइब्रस रूट सिस्टम। और जितने भी तरह के मोनोकॉटिलेडोनस रूट्स होते हैं, जैसे कि वीट प्लांट हो गया, मैच प्लांट हो गया, पैडी क्रॉप्स हो गया, ग्रासेस, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रासेस। मोन्स्टेरा का जो प्लांट होता है, बेनियान है, उसमें जो रूट्स पाए जाते हैं, दे रूट एराइजेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल्स। ऐसे रूट्स जो रेडिकल्स से नहीं ग्रो करते हैं और अदर देन रेडिकल्स ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं, बेनियान ट्री में हम देख सकते हैं हैंगिंग रूट जो पाया जाता है, उस तरह के रूट्स को कहते हैं क्या हम, एडवेंटिटियस रूट्स। मेन, अब आते हैं हम इसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरेज टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और साथ साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फाइटो हार्मोन्स क्लास 10th में, उसको भी यह रेगुलेट करते हैं। ये फंक्शंस हो गया किसका, रूट्स का। अब आते हैं रीजन ऑफ रूट, किस तरह से रूट्स डेवलप करते हैं। रीजन ऑफ रूट्स में कई पार्ट होते हैं, जैसे रीजन ऑफ मैचुरेशन है, रीजन ऑफ इलांगेशन है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी और यहाँ पर रूट कैप। तो जो यहाँ पर जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है, यहाँ के सेल्स कंटिन्यूअस क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जैसे जैसे डिवाइड करते हैं यह रूट कैप जो है सॉइल में पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ता है, और यह थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे कहते हैं हम क्या, रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट्स एंड मेक्स इट अवे थ्रू द सॉइल। ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट्स कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, इसके जस्ट ऊपर होती है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जहाँ पर सेल कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं, और उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलांगेशन, और उसके ऊपर होता है क्या, रीजन ऑफ मेचुरेशन। यानी एक तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की वजह से सेल डिवाइड करते हैं, और सेल डिवाइड करके आगे की तरफ पेनिट्रेट करते हुए सॉइल में इन बढ़ते हैं, और यह धीरे धीरे इलांगेट होता है और ऊपर का पार्ट जो है मेच्योर होता जाता है, और उसे रूट हेयर क्या होते हैं, डेवलप होते जाते हैं,
और यह रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगोज रैपिड इलांगेशन एंड इलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ। अब आते हैं इसमें, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलांगेशन, जस्ट बताए हैं, इलांगेशन जोन भी कहते हैं, ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होता रहता है इसमें। दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलांगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में, उसे कहते हैं रूट हेयर्स। अब ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वह डिवाइड करता है और वह पेनिट्रेट करता है, आगे की तरफ जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है वह होता है रूट कैप, और जैसे जैसे यह नीचे आगे की तरफ बढ़ता है ऊपर वाला इलांगेट होता है, उसके ऊपर वह मैच्योर होता जाता है, वह रूट फाइबर्स बनाता चला जाता है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। रूट्स के डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे टर्निप्स हो गया, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, या फूड स्टोरेज के लिए जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द एब्जॉर्प्शन, मतलब वो एब्जॉर्प्शन का वर्क न करके अब वो फूड स्टोरेज का काम करने लगते हैं, तो इस तरह के रूट्स को कहते हैं हम मॉडिफाइड रूट्स। और मॉडिफाइड रूट्स सपोर्ट के लिए होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होते हैं, कुछ रूट्स जो है रिस्पायरेशन के लिए होते हैं, जैसे निमेटोफोर्स जो पाया जाता है मैंग्रोव प्लांट में, वहाँ से रूट्स जो है मॉडिफाइड होकर के सॉइल से बाहर आ जाते हैं और रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। स्वीट पोटैटो रूट का ही मॉडिफिकेशन है, कैरेट रूट का ही मॉडिफिकेशन है, टर्निप रूट का ही मॉडिफिकेशन है। हैंगिंग जो रूट्स होते हैं उसे कहते हैं हम प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स पाए जाते हैं सपोर्ट के लिए, जैसे जो बड़े लार्जर जो ट्री होते हैं जैसे बेनियन ट्री, उसमें जो हैंगिंग रूट्स पाए जाते हैं वो होते हैं क्या, प्रॉप रूट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह प्रॉप रूट का यह डायग्राम, ठीक है। सिमिलरली द स्टीम ऑफ द मैज एंड शुगर केन, मैज का जो स्टीम रूट है, शुगर केन है, उसके साथ स्टीम के जस्ट नीचे वहाँ पर भी रूट्स पाए जाते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस सपोर्टिंग रूट्स को कहते हैं हम क्या, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट्स होते हैं इन सम प्लांट्स सच एज़ राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, राइजोफोरा या मैंग्रोव उसी को कहते हैं। मेनी रूट्स कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवार्ड, आगे की तरफ ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड निमेटोफोर्स या रिस्पायरेटरी रूट्स। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंटेक्ट मी एन गूगल क्लासरूम। ओके थैंक्स।